हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व कराना आपके, कि हमारे अकाउंटेंसी में जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल के आएंगे। मैंने अपने वीडियो में बताया था मार्किंग पैटर्न में कि 80 मार्क्स का अगर हमारा अकाउंटेंसी का पेपर है तो उसमें 76 मार्क्स के हमारे टोटल न्यूमेरिकल ही आ जाएंगे और एक एक नंबर में हमारे सिर्फ कुछ थ्योरी लिखने के लिए आ जाते हैं और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो सारा डिटेल्स मैं दूंगा। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो 75 टू 76 का जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन और पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हमें वहां यहां पर वही चीज क्लियर करना है। तो हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक स्टार्ट होगा, विच इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में बताया था कि हम लोग वहां पे पार्टनर्स की सैलरी, कमीशंस, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, विच इज इन डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप वीडियो में देखिएगा। तो वहां पर क्या था, हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन करना होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि सैलरी पार्टनर का दे देगा, कमीशन भी दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और उसके कैलकुलेशन के प्रोसेस के लिए ही मैंने, अब आप लोग में से कुछ लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होंगी ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन की वजह से किसी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर आपको बुक्स जिनके पास अभी तक नहीं मिली है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उन्हें पीडीएफ में वो बुक प्रोवाइड कर दूंगा, फर्स्ट चैप्टर की, जो मैं न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद से जो मैंने अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है, ये मैंने न्यू एडिशन बुक जो डीके गोयल की होती है वहां से मैंने लिया है। उस बुक में पेज नंबर 2.11 पे ये क्वेश्चन हमारा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूं एक बार, ये हमारी न्यू एडिशन की बुक। ठीक है, तो मैं जो बुक आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको बुक पता रहे कि किस बुक से हम क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं। तो अब यहां से हमारा जो पॉइंट आता है, तो मैंने यहां पर सारे क्वेश्चंस को नोट कर दिया है ताकि जिनके पास बुक्स हो उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो और जिनके पास नहीं है उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बिना देखे हम अपने आंसर्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कि हम आपको आंसर्स बताते रहे और स्लाइड के थ्रू आपको हम क्वेश्चंस अपने शो करते रहे तो वो नहीं हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि क्या होगा, जब क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे और सॉल्यूशन हम बताते रहेंगे तो दोनों स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोसेस अच्छे से चलते रहेंगे। और मैंने लास्ट में अभी यहां पर नोट किया, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक जो है, मींस इस टॉपिक के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूंगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, और न्यूमेरिकल्स हमारा अब स्टार्ट हो गया इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपका जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा रहा हूं वो आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे। So, अब जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा तो हम इसे ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने तो बड़ी बात नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करना और विद इन टाइम सॉल्व करना ये बहुत जरूरी होता है। सो विद इन टाइम कैसे सॉल्व करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम जो क्वेश्चन पूरे पैरा में देख रहे हैं, इस पूरे पैरा को क्वेश्चन को हम छोटा सा बना देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो यहां पर मैंने लिख दिया दो पार्टनर्स हैं इसमें, तो यहां पर मैं दो पार्टनर को मेंशन कर दे रहा हूं कि एक पार्टनर है ए और दूसरे पार्टनर है बी। देखिएगा भी क्वेश्चन हमारा कितना इजी हो जाएगा। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 एज रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख, मीन्स जो ए की कैपिटल शो कर रही है वो है 4 लाख और जो बी की कैपिटल है वो है 3 लाख। अब हमारे पास दोनों पार्टनर की कैपिटल दे दिया है, लेकिन ये कैपिटल किस डेट पर है, ऑन 1 अप्रैल 2015, तो हम यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं कि ये है इनकी कैपिटल और इसकी डेट है 1 अप्रैल 2015, तो ये हमारी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 1, 2015, अब एक और डेट आ रही है कि 1 अगस्त 2015 को दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल,
फर्दर मीन्स होता है एडिशनल कैपिटल, कि अगर कोई फर्म पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है और बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई फिर फर्म को आगे कंटिन्यू और अच्छे से करने की, तो जिस पार्टनर के पास ज्यादा पैसा होगा वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करता है, फर्म में और कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस कर देता है। तो फॉर एग्जांपल फर्दर कैपिटल जो हमारा यहाँ पे है ऑफ रुपीज 50,000 एंड 40,000, तो दो पार्टनर हैं, तो यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं फर्दर कैपिटल, या फिर हम इसे एडिशनल कैपिटल के नाम से भी कहते हैं। तो ये हमारा एडिशनल कैपिटल भी हो जाएगा, और ये कब इंट्रोड्यूस हो रही है, 1st अगस्त 2015। तो यहां पर हमने डेट मेंशन कर दिया 1st अगस्त 2015, और इसके बाद से कितना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 50,000 एंड 40,000। तो हम भी ये भी यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं कि ए ने 50,000 एंड बी ने 40,000 ये हमारा इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद से क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट होती है फिर कि बी विड्रू, मतलब बी जो पार्टनर हमारे पास क्वेश्चन में है, दो पार्टनर हैं, सो बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1st 2016। मींस एक और डेट आ रही है विड्रॉ की, विड्रॉ कर रहा है मींस वो क्या कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट था, फिर ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन में ड्रॉइंग के लिए, और ड्रॉइंग की डेट क्या दिया है 1st मार्च 2016। तो हम यहां मेंशन कर देंगे 1st मार्च 2016, और किस पार्टनर ने विड्रॉ किया, तो बी विड्रू रुपीज 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, इट मींस दैट कि बी ने विड्रू किया है 15,000 और ए ने विड्रू नहीं किया है। अब यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गया है, 6% का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो मेन तो यही टॉपिक है हमारा, 6% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारा सबके लिए फिक्स रहेगा दोनों पार्टनर के लिए। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 के एंड में हमारे कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है पार्टनर को वो कितना मिलेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने कितना क्वेश्चन को सिंपल बना दिया है, कि अगर आप इसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे फिर पढ़ेंगे, तो क्या होगा, टाइम यहीं से लॉस होना शुरू होता है। मैं पहले कह रहा हूं क्वेश्चन सभी को आते हुए अगर छूट जाते हैं, इट मींस दैट कि प्रॉब्लम माइंड में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में है, कि हमने क्वेश्चन को उस तरह से समझा ही नहीं जिस तरह से हमें फास्ट लगाना था। तो ये पूरे देखिए आप एक पैरे के क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही नहीं है एक बार भी, सिर्फ आपने एक बार पढ़ा और देखिए 3 लाइन अपना यूज किया और 3 लाइन में देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। ये होती है मेरी ट्रिक समझाने की, कि आपको क्वेश्चन अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि अब कैपिटल है तो इंटरेस्ट फिर कितना, फिर से लाइन पढ़े, ऐसा कुछ नहीं, बस अब मैं यही देखूंगा और देखिएगा पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें करना है, तो आप अपने कॉपी में नीचे ही सारा पोर्शन करते हैं, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को नीचे करते चलेंगे, लेकिन हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, क्योंकि हमें आपको दोनों पार्टनर का शो करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर ए हमने यहां पर मेंशन कर दिया, For A means क्या हुआ, कि जो A partner है उसके लिए जो calculation of interest on capital करने जा रहे हैं, तो A का interest on capital कितना होगा, and same as it is for B also, यहां पर हमने mention कर दिया कि B के लिए interest on capital कितना होगा। अब यहां पर जो हम calculation start करते हैं, तो सबसे पहले हम एक partner को pick करेंगे और उसके बाद से दूसरे को। तो यहां पर होता क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात, मैं एक लाइन बताऊंगा, कि जब भी हम बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो जितने टाइम के लिए हम डिपॉजिट करते हैं बैंक हमें उतने ही टाइम के लिए तो इंटरेस्ट देता है ना। सेम एज इट इज यहां पर भी होगा, कि एक पार्टनर का जो कैपिटल अमाउंट है जितने टाइम के लिए फर्म में है, फर्म सिर्फ उतने ही टाइम के लिए उस पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर 1st अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ, मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि अगर हमारा क्वेश्चन 1st अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ, तो इसका एंड कब होगा सीधे, अब तो तुरंत कहेंगे 31st मार्च 2016, जो यहां पर डेट दिया है, यहां पर इस डेट को हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमें देखना क्या है, इस ईयर से इस ईयर तक बीच में, मतलब 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक आने में बीच में कितने बार ब्रेकर आए हैं। तो ब्रेकर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो 1st अप्रैल 4 लाख है, तो 1st अप्रैल को 4 लाख तो यूज हो गया, ठीक है, लेकिन ये अमाउंट फर्म में कितने दिन तक पूरा रहा, तो 1st अप्रैल से लेकर
फर्स्ट अगस्त तक ये अमाउंट रहा, क्योंकि 50,000 फर्स्ट अगस्त को फर्म में और आ गया, तो यानी कि 4 लाख का अमाउंट 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक रहा। और 1 अगस्त की जब हम बात करेंगे, यहां मान लेते हैं ये 1 अगस्त है, तो यहां से क्या होगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले से 4 लाख तो ऑलरेडी है और इसमें 50,000 और प्लस हो गया, सो द अमाउंट विल बी 4,50,000, 4.50 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा अब अमाउंट हो गया, तो इट मींस दैट कि 1 अगस्त से 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस अमाउंट पे चार्ज होगा, और 1 अप्रैल से 1 अगस्त फर्स्ट ना बोल के हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जस्ट इसके पहले वाला डे क्या होता है, जुलाई अगस्त, तो 31 जुलाई हम लिख देंगे यहाँ पे, और 4 लाख का जो है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जाएगा, और बाकी 4,50,000 पे 1 अगस्त टू 31 मार्च 2016 जाएगा। तो अब हम कैलकुलेशन इसका देखते हैं, हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ए एंड बी अलग के लिए। तो पहले हम ए का कैलकुलेशन देखते हैं, विच इज फ्रॉम, अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो लिखेंगे ऑन। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने क्वेश्चंस तो लिख दिए हैं, लेकिन बुक में सॉल्यूशन जैसे दिए वो सब सही है, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला बिना लिखे कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा है, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में आपको फॉर्मूला मेंशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद ए और बी का कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू जो हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसे आपको नोट करना पड़ेगा, ताकि आप जो क्वेश्चन लगा रहे हो किस फॉर्मूले पे लगा रहे हैं एग्जामिनर को अच्छे से पता चलना चाहिए। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन डेट टू डेट वाइज, जैसे कि हमने कहा कि पार्टनर की जो अमाउंट कैपिटल जितने दिन फर्म में रहेगी फर्म उतने ही दिन का इंटरेस्ट देगी। सो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, यानी ऑन जो हमारा 4 लाख के ऊपर, ऑन 4 लाख जो फर्म देगी इंटरेस्ट, ऑन 4 लाख फॉर कितने मंथ के लिए, तो अब कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल टू 1 अगस्त ना बोल के 31 जुलाई, जैसा कि मैंने कहा, तो कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल मई जून और जुलाई, यानी टोटल हमारे मंथ हुए 4, फॉर 4 मंथ हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ब्रैकेट में चाहे तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो डेट है हमारी वो है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई 2015, ये मैंने डेट यूज किया है। फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना भी है 4 लाख है, और इसके बाद से मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, तो रेट है 6%, मैंने वहां पर नोट किया है ऑलरेडी, जो सबके लिए फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12, तो कितने मंथ के लिए है, 4 मंथ के लिए, तो यहां पे हम लिख देंगे 4/12। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बहुत तेज आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट हो गई तो फिर ये गारंटी कि उसको प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो जैसे कि ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 6, और ये हो जाएगा 4 2 8, तो 4 2 8 हो गया, और 0 कितने हुए 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 0 हो गए, ये हमारा आ गया 8,000, लेकिन ये फॉर 4 मंथ के लिए है। अभी आगे फिर एक और प्रोसेस आएगा, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया, अब इसके बाद एक और प्रोसेस आएगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट टोटल 12 मंथ के लिए देते हैं। तो अब 1 अगस्त से 31 मार्च आएंगे, तो यहां पर लिखेंगे फिर से ऑन कितने अमाउंट पर हो जाएगा, तो 4 लाख तो पहले से ही था जो 31 तक आया, और 1 अगस्त को इस 4 लाख में 50,000 और एड हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 4,50,000, ठीक है, ये हमारा अमाउंट चल रहा है, तो रुपीज 4,50,000 फॉर कितने मंथ के लिए, तो अब काउंट करिए तो अगस्त से 31 जुलाई तक जाना है, ड्रॉइंग ए ने नहीं किया है, तो अगस्त से 31 जुलाई जाएंगे तुरंत कहेंगे 8 मंथ, कैसे, क्योंकि अगर ये 4 मंथ है तो 12 - 4 क्या बचा हमारा 8 मंथ, तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया 8 मंथ, और सेम एज इट इज फिर यहां पर मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 अगस्त 2015 टू 31 मार्च 2016, ये हमारा टाइम हो गया। अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर्मूला था 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट था 6
मल्टीप्लाइड बाई मंथ अपॉन 12, फॉर्मूला नोटेड है विच इज 8/12। अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 से, तो यहां पर हम 4 से काट देते हैं, तो 4 2 8 और 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 2 6। और यहां पर आप देखेंगे जो हमारा मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां पर हम सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन अब करते हैं, तो 2 2 4 करेंगे, तो 4 से इसमें मल्टीप्लीकेशन करने में सोचना पड़ेगा। लेकिन इसका फर्स्ट कैलकुलेशन और क्या हो सकता है, 45 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो बन गया क्या 90, 45 का जस्ट डबल तो 90 हो गया, और 90 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो उसका जस्ट डबल कितना हो गया 180, क्योंकि 99 होता है 18, तो 90 हो गया 180। अब कितने जीरो बचे, 1 और 2, तो यहां पर हमने सिर्फ 2 जीरो ऐड कर दिया, मींस 18,000 रुपीस। अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, अब क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें ए देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना आया, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू 8,000 और फिर लिखेंगे प्लस 18,000, ठीक है, और इसके बाद से टोटल कर देंगे तो 18 और प्लस 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26,000 रुपीज, ठीक है, रुपीज लगाना नहीं बोलना है। ये हमारा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए के लिए। अब इसके बाद आएंगे बी के लिए, तो बी में हमें यहां पर 3 बार ब्रेकर देखते हैं, 3 लाख का आया, 1 लाख यहां पर एडजस्ट हुआ और फिर यहां से फिर एक बार विड्रॉवल का एडजस्ट होगा। तो अब यहां पर हम क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्या होगा क्वेश्चन में हमारे, सबसे पहले वही सेम पॉइंट कि पहले हम लाइन ऐड करेंगे कि किस अमाउंट पर कितना जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल 3 लाख है, 3 लाख में 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक आएंगे क्योंकि 40,000 ऐड हो रहा है। एडिशनल कैपिटल जब भी होगा तो ये ऐड होता है और ड्राइंग जब भी होता है तो वो माइनस होता है, क्योंकि फर्म में एडिशनल कैपिटल आ रही है और ड्राइंग मतलब पैसा जा रहा है। सो अब कंडीशन इज व्हाट, तो यहां पर मेंशन करेंगे फिर से ऑन बी के लिए हम मेंशन कर देंगे 3 लाख रुपीस पर, कब से कब तक देना है, फॉर सेम 4 मंथ ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल टू 31 जुलाई यहां पर मेंशन कर देंगे हम सेम यही, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 जुलाई, ठीक है, तो हम यहां पर अब शॉर्ट में मेंशन कर देते हैं 1 अप्रैल 15 टू 31 जुलाई 15, ठीक है, क्योंकि हमें आपको पूरा क्वेश्चन बताना है। अब यहां पर हमें है क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है, तो फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12 सेम एज इट इज, 4 3 12 ये जीरो से, अब ये देखिए 3 से ये 1 कट गया, अब बचा क्या हमारा सीधे सीधे ये 2 जीरो कट चुके हैं, तो ये 6,000 रुपीज ये हो गया। फिर अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप देना है फ्रॉम 1 अगस्त टू 1 मार्च तक। देखिए यहां पर ब्रेकर है तो 1 मार्च तक हम अलग निकालेंगे और 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ के लिए वो अलग निकलेगा। तो देखिएगा ध्यान से, आप लिखेंगे क्या ऑन, अब कितने अमाउंट पर निकलेगा, तो 3 लाख और एडिशनल कैपिटल 40,000 प्लस हो गया, विच इज 3,40,000 हमारा हो जाएगा, तो 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ठीक है ना। अब ये पूरा प्रोसेस आपको फिर से एक बार लिखना था, वो अब आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस क्या करना है, लिखेंगे क्या ऑन, फिर भी मैं चलिए आपको बता देता हूं क्योंकि अभी आप न्यू है तो हो सकता है मे बी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऑन 3,40,000 रुपीज पर देना है फॉर कितने मंथ के लिए, तो काउंट करेंगे अगस्त से मार्च 1 तक, तो अगस्त से काउंट करेंगे मार्च 1 से, यानी पूरा मार्च नहीं काउंट करा, इट मींस दैट यहां 8 मंथ आया था और यहां 1 मार्च का गैप हो गया 1 मंथ का, इट मींस दैट ये हो जाएगा 7 मंथ के लिए हमारा ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहां पर फिर हम मेंशन कर देंगे इस तरह से कि 1 अगस्त 2015 टू 31 नहीं मार्च होगा, अब क्या है 1 मार्च तक आए हैं, तो 1 मार्च के पहले कौन सा मंथ आया होगा, फरवरी आया होगा। अब फरवरी तो हम लिख देंगे यहां पे, लेकिन फरवरी में 16 नोट किया है तो डेट क्या होगी, तो डेट अब कैसे चेक करें कि 29 लिखें या फिर 28 लिखें, क्योंकि दोनों ही डेट आते हैं, लीप ईयर का भी होता है, तो लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं
और अगर वो फुल डिवाइड हो जाता है नंबर तो यानी कि वो ईयर लीप ईयर है। फॉर एग्जांपल हमारा 2020 है, 2020 को आप 4 से डिवाइड करिए तो देखिए 505 आपका आंसर आएगा, फुल डिवाइडेड हो गया, यानी आपका जो 2020 है आप देखिएगा फरवरी में 29 आया होगा, लेकिन 2019 नहीं है, 18 नहीं है, लेकिन 16 को जब डिवाइड करेंगे तो 2016 है, तो ये देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा आंसर आपका 504। ठीक है, तो यानी कि ये जो मार्च 16 वाला है ये हमारा लीप ईयर वाला डेट है, तो यहां हमने मेंशन कर दिया 29 फरवरी। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा, तो विच इज 340,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12। ये हमने पूरा मेंशन कर दिया, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 2s are 12 हो जाएगा, और फिर 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 हो गया, 2 7s are 14 हो गया, और ये 20 यहां पर ऐसे एज इट इज आ गए। अब 7 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 00 हो जाएगा, 7 7s are 49 हो जाएगा, 4 कैरी आएगा और 7 1s are 7 और 4 11 हो जाएगा, मीन्स 11,900 रुपीज हमारा ये आंसर हो जाएगा। अभी भी एक स्टेप बाकी है विच इज लास्ट स्टेप इन द क्वेश्चन, क्या होगा, फर्स्ट मार्च 2016 को ड्रॉइंग हो रहा है तो अब लिखेंगे ऑन कितने अमाउंट पे होगा, तो 340,000 तक था हमारा मार्च जो 29 फरवरी है, तो अब क्या होगा 340 में से ड्रॉइंग हुआ 15,000 तो 340 माइनस 15,000 करेंगे, तो 340 में से 10 माइनस किए 30 और 5 माइनस किए तो 25, मीन्स 325,000 रुपीज फॉर 7 मंथ की जगह, अब कितना है सिर्फ मार्च फर्स्ट है तो 1 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, और जो लिखेंगे यहां पर डेट, फिर यहां पर फ्रॉम, फिर लिखेंगे पूरा फर्स्ट मार्च 2016 टू 31st मार्च 2016, यही हो जाएगा हमारा 1 मंथ के लिए, क्योंकि अब अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 325,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 6% और मंथ आया 1 मंथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या करना है, 00 से 00 का आंसर ये देखिए 6 2s are 12 हो जाएगा ये, और इसके बाद से क्या करेंगे 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 1s are 2 और 1 2 हो गया 6 और ये हो गया 5 है तो 2 और 10 है तो 5। ठीक, और वैल्यू हो गई हमारी इसकी टोटल 1625 रुपीज। अब यहां पर सेम एज इट इज इसके लिए ऐसे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो अमाउंट कितना आया 6000 आया 4 मंथ का, 11900 आया हमारा 7 मंथ के लिए, एंड 1625 आया हमारा 1 मंथ के लिए। अब सभी को ऐड कर लेंगे तो 5 और 2 ये हो गया 5, इधर हो गया 2, फिर 6 और 9 तो 9 और 6 हो गया आपका 15, 1 कैरी 2 3 और 6 3 9 और फिर यहां पर हो गया 1 तो यहां हो गया 1, मींस 19,525 इज द फाइनल आंसर, ये हमारा हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आंसर हमारे यही आए हैं कि नहीं आए हैं, जिससे कि आपका ये जो कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ए के लिए हमारा 26,000 आ रहा है और बी के लिए हमारा 19,525 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना प्रोसेस आपको याद रखना है कि मैं सॉल्यूशन इसीलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि इलस्ट्रेशन देखिए सॉल्यूशन आपके सामने बुक में दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम दूसरे टेक्निक से किस तरह से फास्ट सॉल्व करते हैं मैं ये सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं आराम से, मैं सॉल्यूशन इसीलिए रखा है। लेकिन देखिए मैं पूरा सॉल्यूशन आपको सॉल्व किया हूं और आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है और मुझे भी नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इट मींस दैट कि हम तो जल्दी क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट फिर नहीं बता पाएंगे कि अगर हमने उतनी स्पीड से अगर क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है तो वो किस तरह से किया है। तो जब हम साथ ही साथ कैलकुलेट करते चलेंगे, क्योंकि अभी आपके सामने ऐसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिविजन जो बहुत हार्ड होता है, डेसिमल्स में चले जाते हैं, तो उनको कैसे हम ट्रिक से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहां पर आपको सारा मेथड सिखाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं है, विद इन टाइम लगाना बड़ी बात है, बस। तो यही मैनेजमेंट ऑफ टाइम मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है
और अब आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक से आराम से सॉल्व करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, हमारा नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को आपको बताऊंगा, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मेट सारे बताए थे, फॉर एग्जांपल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों ही आपको बताए गए हैं। मैं पूरा एक ऐसा क्वेश्चन पिक करूंगा आपके लिए कि मैं एक ही क्वेश्चन यहां पर पूरा नोट करूंगा आपके लिए पूरा, और उसके बाद से मैं पूरा उसका सॉल्यूशन आपको एक पूरे साइड में शो कर दूंगा, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन समझिए लिख रहा हूं और पूरे क्वेश्चन के लिए आपके लिए जो पूरा प्रॉपर ट्रिक्स है सभी चीजें बता रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी और आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए मेहनत करिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए लॉकडाउन में, जिससे कि आपका पढ़ाई लॉस ना हो। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर जाके क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को या फिर जो भी हमारा पूरा चैनल है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि सभी आपके दोस्तों को प्रॉब्लम ना हो न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के लिए, जो कि हम विद इन टाइम आपको सॉल्व कराना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।